चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं अपना डिश वॉशर दिखाती हूँ। तो ये है, हमने अनलॉक कर लिया डिश वॉशर। इसमें दो रैक्स होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली रैक होती है वो हमारी कटोरी रखने के लिए होती है। प्रॉपर स्पेस बनी होती है कि आप कटोरी रख पाएं और टिफिन रख दें, छोटे कटोरे रख दें, ग्लास रख दें, कप रख दें। इस टाइप सा ग्लास कप रखने के लिए अलग होल्डर बना होता है। कटोरियाँ ऐसे फैला फैला के बर्तन रखने होते हैं, वरना बर्तन ठीक से धुलेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा क्लोजली मत रखिए कि जितने आ रहे हैं उतने ठूंस दिए जाएँ। फिर ये रही प्लेट्स। प्लेट्स रखने का सेक्शन नीचे वाला होता है, प्लेट्स रखने का, बड़े कटोरे रखने का। स्टील के बर्तन आप नीचे वाले सेक्शन में रख सकते हैं, ढक्कन रख सकते हैं। चम्मच रखने के लिए अलग सेक्शन बना होता है। ये देखिए पूरा निकल जाता है, इसमें चम्मच, चाकू, फोर्क, बड़े चम्मच, करछी सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ पे आपका डिश वॉशर डिटर्जेंट डालने के लिए होता है। यहाँ पे आप टैबलेट भी डाल सकते हैं जो क्यूब्स आते हैं, और लिक्विड डिटर्जेंट भी डाल के उसे लॉक कर सकते हैं। और उसके बाद आप पूरे डिश वॉशर को लॉक कर देंगे। एंड देन ये रहा, आप हॉट स्टार्ट ऑन कर देंगे, हो गया डिश।